नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 100 से अधिक गांव के किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। यहां के किसानों ने डीएम प्राधिकरण कार्यालय, विधायक और सांसद का घेराव कर कई बार विरोध भी किया है। पिछले गुरुवार को किसानों ने दिल्ली कूच भी किया था, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आला अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्याओं को जल्द सुना जाएगा। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर ऑफिस में नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ के अलावा पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी साथ किसानों की बैठक हुई। भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर पहलवान ने बताया है कि जिले के बड़े अफसरों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में प्रशासन के अधिकारियों को अपना पक्ष रख दिया है, किसानों की मांग को लेकर समाधान होना चाहिए, नहीं तो किसान अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा NTPC पर धरना जारी रहेगा। अगर अगले 150 घंटे में हाई पावर कमेटी का गठन नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली दूर नहीं है। इस बार जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के करीब 10,000 लोग 18 फरवरी के बाद दिल्ली कूच करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।